4kisan.com पर आपका स्वागत है। 4kisan.com का उद्देश्य आप तक सही और लेटेस्ट जानकारी पहुंचाने का है। आप किसी भी तरह की फसल की जानकारी 4kisan.com पर ले सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम हल्दी के खेत में आए हुए हैं और हमारे साथ एक किसान भाई है जिन्होंने हल्दी के खेती में नेचरडीप इस उत्पाद का इस्तेमाल किया है। और इनका मानना यह है कि नेचरडीप के इस्तेमाल से इनकी जो हल्दी की फसल है वो बहुत अच्छी हुई है और इस साल उनकी जो उपज है वो भी हल्दी की ज़्यादा आने वाली है। तो आज हम उनसे ही जानेंगे कि कैसे नेचरडीप ने इनके हल्दी में कमाल किया है। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार चाचा जी, आपका ज़रा परिचय हमें देंगे। मेरा नाम सईद अहमद है। मेरे वालिद का नाम यानी फादर का नाम फ़कीर मोहम्मद है। मैं रहने वाला उमरखेड़ का हूँ और ज़िला यवतमाल, और हम लोग विदर्भा के रहने वाले हैं। चाचा जी, ये जो हल्दी की खेती है आप कितने साल से कर रहे हो और क्या अभी तक का आपका हल्दी के खेती में तजुर्बा है? ये मैं हकीकत में तो ये है कि मैं ये तीसरे साल से खेती कर रहा हूँ। वैसा मैं यहाँ पर यानी सर्विस से रिटायर होकर मैं 15-20 साल से मैं इस खेती की उद्योग में आया हूँ। यानी उद्योग कहो या फिर यानी कुछ भी कह सकते इसको, ये मेरे खुद ही पूर्वज की खेती है। ये पूर्वज की खेती में तो मैंने इसमें शौक पैदा किया अपना। यानी जब तक शौक पैदा नहीं होगा आपका उपज बढ़ेगा नहीं। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि भाई अपने को कोई भी उपज बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उपज बढ़ाने के वास्ते मैं यहाँ हमेशा कोशिश करता था इसमें कि भाई आपने मेरी ज़मीन जो है वो एक यानी इसमें काली मिट्टी यानी तकरीबन 26 फुट है। इसकी वजह से हमारी ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड हो जाती। यानी थोड़ा पानी अगर रुक गया तो ये हार्ड हो जाती। तो इसे हमारे एरिया में इसको चिबड़ ज़मीन बोलते हैं इसको। और ये चिबड़ यानी खुली ज़मीन नहीं है। इस वजह से मैं ये सोचता था कि भाई अब इसको क्या करना चाहिए। अपने को तो हल्दी एक लेना ही है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि जैसा जगह जगह सेमिनार जो भरते थे यहाँ पर हर कंपनी के आते थे, लोगों ने बताया कि भाई आपके हल्दी में उसका उपज बढ़ाने के लिए उसका यानी ज़्यादा से ज़्यादा उपज बढ़ाने के लिए आप उसको नेचर ड्रिप उसका इस्तेमाल करो। तो इस वजह से मैं ये सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। तो फिर ये मैंने जैसा मेरे छठे महीने में लॉगन हो चुकी है इसकी। छठे महीने में लॉगन होने के बाद मैंने 16-15 को मैंने ये 2 एकड़ के लॉगन किया। और 2 एकड़ के लॉगन करने के बाद जब मैंने फिर सोचा कि अभी क्या करना चाहिए, तो उसमें नेचर ड्रिप का मैंने इस्तेमाल किया। तो मैंने 4-9 को 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ये इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। ये है तो इसमें मेरे को इतना डेवलप मालूम हुआ कि पिछले साल से इस साल का मेरे को बहुत डेवलप लगा। क्योंकि इसमें यह है कि जब तक काश्तकार अपना डेवलप नहीं बढ़ाएगा तब तक उसकी उपज नहीं बढ़ेगी, तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वरना क्या होगा कि मेरे को पहले साल में जब मैंने हल्दी लगाया 1 एकड़, तो उसमें मेरे को सूखा कर या पूरी पका कर मुझे सिर्फ 20 कुंटल हल्दी हुई। और जब मैंने दूसरे साल किया तो मेरे को हो गई वो 34 कुंटल। अब ये तो मैंने बोला और इसकी अपने को उपज बढ़ना चाहिए। खर्चे तो हो रहे, ठीक है खर्चा हो रहा, मगर खर्चे के साथ में अपने को इसकी उपज बढ़ना चाहिए तब अपने को प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने ये सोचा और उसकी वजह से फिर मैंने नेचर डीप का इस्तेमाल किया। तो इस साल में मेरे को बहुत अच्छा डेवलप लगा इसका। चाचा जी बहुत अच्छा आप बता रहे हो हमें नेचर डीप के बारे में कि कैसे आपके हल्दी के फसल में इसने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे हम बोलते हैं कि नेचर डीप जो है वो जड़ की डेवलपमेंट करता है, तो हमारे किसान भाई बिल्कुल आपकी जो हल्दी की जड़ की डेवलपमेंट है या फिर हल्दी अभी तक कितनी बड़ी है वो सब कुछ आपसे देखना और सुनना चाहेंगे। तो थोड़ा सा आप हमें जड़ का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा दिखा देंगे। तो चाचा जी, आपने अभी तक बोला कि नेचर डीप के इस्तेमाल से आपको बहुत फ़ायदा हुआ है, तो हमारे किसान भाई ज़रा देखना चाहेंगे कि जैसे आपने नेचर डीप का इस्तेमाल इस खेत में किया हुआ है तो जड़ जो अभी दिख रहे सामने तो उसमें क्या अंतर आया, आप ज़रा थोड़ा हमें बताएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जब मैंने लॉगन करा खेती में इस हल्दी की, उसके बाद में 2 महीने के बाद में मैंने नेचर ड्रिप का इस्तेमाल किया।
नेचर डिप का इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि उसमें के जो व्हाइट जो रूट्स है, व्हाइट मूली जो है वो बढ़ाना है अपने को, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब तक आपकी मूली बढ़ेगी नहीं उसके अंदर वो आपको खुराक उसका जो जो भी ऊपर से अपन जो भी खाद वगैरह डालते हैं, जो भी खाद डालते हैं जैसा भी हर 15 दिन को या समझो 20 दिन को, आप एकरी अगर आप 3 से 4 किलो कोई भी अगर रासायनिक खाद बोलो या कोई खाद अगर छोड़ते हैं इसमें, तो जब तक इसकी इसको जो अपना हल्दी का जो झाड़ है वो जब तक उसको लेगा नहीं तो तब तक आपका झाड़ डेवलप होगा नहीं हल्दी का। इसलिए ये अपने को ज़्यादा से ज़्यादा ये ख्याल करना है। मैं ये सोच रहा था कि भाई ये व्हाइट मूली बढ़ेगी कैसे, तो मेरे को ये कि नेचर डीप जो है ये मेरे को ऐसे प्रोडक्ट मिल गया कि जिसकी वजह से आप यहाँ देखो, आप सब काश्तकारों को गुजारिश है कि आप इस देखो, देखो कितने नेचर ड्रिप की वजह से, देखो ये बुली अंदर तक अभी तक अंदर लगी हुई है, अभी इसके अंदर ये पीछे भी देखो बहुत सारे इसका ये इसमें यानी इसकी मूलियाँ बढ़ गई है, इसके व्हाइट रूट्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये बहुत बढ़ गया है देखो इतना बड़ा अभी ये बढ़ना चालू है। अभी इस वक्त ये हल्दी मेरी है सिर्फ 6.5 महीने से 7.5 महीने की है अभी इसको अभी और 1-1.5 महीना अभी और बढ़ना है इसको, तो जब कितना बढ़ेगा और जितना जितना ये बढ़ेगा उतना काश्तकार का फ़ायदा होगा इसमें। तो इसको अपने को सबसे ज़्यादा पहले यही देखना है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा ये इसमें जो ये हल्दी है अपनी वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका उत्पादन हो, आपके खर्चे से ज़्यादा हल्दी उत्पादन होगी तो आपको प्रॉफिट होगा, ये इसमें कोई यानी दो शक ये दो राह ही नहीं है। इसलिए आप काश्तकारों से एक मेरी गुजारिश है कि आप इस नेचर ड्रिप का इस्तेमाल करके देखो ये कितना रूट्स बढ़ गया। हालांकि मेरी ज़मीन इसके लोग ये कहते हैं कि आपकी ज़मीन इतनी हार्ड होने की वजह से आप इसको ये कर नहीं सकते, मगर मैं बोलता हूँ कि ये मैं जब नेचर डीप का इस्तेमाल करा तो मैं बहुत खुश हूँ उसकी वजह से, क्योंकि मैंने जब इतनी मेहनत करने के बाद में पिछले साल सिर्फ मैंने 31,000 रुपये एकड़ खर्च करके मैंने उसमें 34 कुंटल मैंने यानी हल्दी निकाला हूँ, 34 कुंटल मेरी 7,000 के भाव से जो गई है, आज मेरे को कितना प्रॉफिट है एंड मेरा खर्चा कितना हुआ 31,000। और अभी मेरा उत्पादन उससे अभी मेरे को मुझे पक्का मालूम है कि उससे उत्पादन इसका ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि वो इतना बड़ा ही नहीं था जो आज आपने कोई अपने जो व्हाइट रूट्स के लिए जो ये नेचर डीप इस्तेमाल करे। तो मैं आपको 100% से ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट सोमोटोमो कंपनी का ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो आप एक बात ये देखो कि इसमें दूसरी एक और एक बात है कि इसमें आपका यानी आप जब भी मार्केट में जाओगे तो इसके अंदर का जो गाभा है, ये इसके अंदर का गाभा, ये जो अपनी सेंग है, ये फल्ली बोलते हैं इसको, इसके अंदर का गाभा देखकर इसका रेट लगता है इसका। ये देखो देख कितना बड़ा गाभा है इसमें ये एक खास बात है कि इसका जितना आपका गाभा होगा इतना इसमें ज़्यादा आपका रेट मिलेगा इसमें। तो इसमें नेचर ड्रिप में एक खास बात है कि इसमें मेरी पूरी तरीके से जितना भी मैंने इसमें खाद डाला, ये नेचर ड्रिप की वजह से इसके रूट ज़्यादा होने की वजह से पूरी तरीके से उसने अपने उसको ये कर लिया, उसने खींच लिया। बहुत अच्छा चाचा जी, तो आपका ये मानना है कि इस साल जैसे आपने नेचर ड्रिप का इस्तेमाल किया, बुआई के लगभग 50 से 60 दिन के अंदर आपने उसको 200 ग्राम 1 एकड़ में इस्तेमाल किया और आज उसका 6.5-7 महीने के बाद ये नतीजा है कि अभी भी उसकी जो जड़ है वो बहुत अच्छे एक्टिव है, बहुत अच्छे से बड़े है और जैसे कि हम देख पा रहे हैं हल्दी की भी डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है, उसकी लंबाई कह सकते हैं, गोलाई कह सकते हैं या फिर उसके जो फुटाव है वो बहुत अच्छे फुटाव हुए हैं। और एक चीज़ हमको आपने जो बताई कि ये जो गाभा है उसका वो भी अच्छा बना हुआ है, जो कि मार्केट में जो उसके रेट मिलते हैं वो गाभे के कारण बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मुझे लगता है इस साल नेचर डिप के इस्तेमाल के बारे में बाद आपको सच में एक अच्छी उपज और अच्छा पैसा आप उसमें बना सकते हो। तो हमारे जो हल्दी के किसान भाई है आप उनको क्या कहना चाहोगे? और मुझे इसमें एक और एक बताना, ये गाभे के साथ में इसके जो ये जो फिंगर है, ये अपनी जो बड़ी जो निकली है, इसमें आपका उपज बढ़ने का कारण एक ही है कि ये जो फली है इसमें ये जो बाहर के रूट्स है, हाँ, ये मेरे को इस साल में बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। अभी मेरे 1.5 महीने में ये जैसे बढ़ गया ना, उसी तरीके से ये अभी आपको इधर के भी ये रूट्स बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका वजन बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने अभी बताया कि जो छोटे उसके जड़ पे लगे हुए वो भी बड़े हैं तो आपका उपज उसमें से और उसमें वजन आपका हमारे हल्दी का वजन बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो हमारे हल्दी के किसान भाई है
तो नेचर डिप के बारे में आप उनको क्या राय देंगे, इस्तेमाल करना चाहिए कैसे, क्या नहीं करना नहीं चाहिए? बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरी इतनी मेरे मेरे जो उम्मीद ही नहीं, मैं तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि भाई लोग ये कहते थे कि आपकी ज़मीन हार्ड हो जाती है, हार्ड होने की वजह से आपके इसमें उपज नहीं आती। मगर मुझे आज 100% ये नेचर डीप है ये इस्तेमाल करने से मैं बहुत खुश हूँ, और उसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि ये साल उत्पादन बढ़ेगा। बहुत अच्छी चाचा जी आपने जानकारी दी हमें नेचर डिप के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे किसान भाई हल्दी की खेती करते हैं वो नेचर डिप इस उत्पाद का ज़रूर उपयोग करेंगे, उनको भी उपज बढ़ाने में वो फ़ायदा करेगा। हालांकि हल्दी में आप देखेंगे तो हल्दी लगाने के बाद 2 महीने के बाद उसका 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें नेचर डिप का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद 6ठे महीने में भी हम उसको नेचर डिप को दोबारा 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। उसके कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे उपज बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद चाचा जी जी। जी अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें लाइक या सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिखिए।